मैं राधा का गुमान हूँ, मैं मीरा का मान हूँ, मैं हर माँ की खिलखिलाती गोद में हूँ, मैं प्रियसी के हास्य विनोद में हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। मैं नारी के सत्कार में हूँ, संस्कृतियों के प्यार में हूँ। मैं परिवार का विश्वास हूँ तो समाज का विकास भी हूँ। मैं शांति के हर श्वास में हूँ, मैं बांसुरी की मधुर तान भी हूँ तो सुदर्शन चक्र की धार भी हूँ। मैं करुणा के हुंकार में हूँ, संस्कृति के हर प्रकार में हूँ। मैं अंत हूँ, प्रारंभ भी हूँ, नए युग का आरंभ भी हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण। मस्तकों के झुंड बाज चंद की घड़ी की तुंग हार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज चंद की घड़ी की तुंग हार दो। आन भान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन वान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड माधव, धर्म और अधर्म में क्या अंतर है? पार्थ, जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं है। यह जानने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए उसे धर्म कहते हैं। जब किसी पर तमस गुण छाया होता है तो वह दूसरों के प्रति कठोर, निर्दयी और स्वार्थी हो जाता है। अपने माने हुए सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। उसकी परमात्मा की ओर गति नहीं हो पाती, अर्थात अधर्म परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम है। आइए हम सब मिलकर समाज व अपने देश के हित के लिए एकजुट होकर कार्य करें और अपने धर्म व संस्कृति की रक्षा करें। यही भागवत गीता का सार है।